कपूत ने अपनी मां नूं मौत दे घाट उतारिया। इस कतल दी घटना नूं अंजाम कपूत ने इकले नहीं सगो उसकी घरवाली ते उसके बेटे ने भी दिता है। ते इस टब्बर ने अपनी मां दा कतल जमीन दे लई कीता है। इस टब्बर ते पुलिस नूं शक ना होवे तां खुद जाके मां दी गुमशुदगी दी रिपोर्ट भी लिखवा दित्ती, पर पुलिस ने बड़ी ही चलाकी दे नाल इन्हां नूं काबू कर लिया। हुण तुहानूं दस दे कि इस कातल परिवार ने अपनी ही मां दा कतल किवें कीता है। दरअसल यह मामला यमुनानगर के सुडल पिंड तो सामने है। बीती 18 मार्च नूं मृतक औरत दा पुत उसनूं हरिद्वार घुमाउण दे बहाने अपनी पत्नी ते बेटे सागर दे नाल लै गया ते उत्तराखंड दे विकास नगर दे कोल अपनी मां दा कपड़े नाल गला दबा दिता ते उस तों बाद उसनूं नहर दे विच सुट दिता अते किसे नूं उनां ते शक ना होवे थाने च जाके रिपोर्ट भी लिखवा दिती। पुलिस गुमशुदगी दे एंगल नाल ही मामले दी जांच कर रही सी कि पुलिस नूं राकेश ते शक हो गया, जिस तों बाद पुलिस ने राकेश तो सख्ती नाल पुछगिछ कीती, जिस तों बाद राकेश ने सारी सच्चाई दस दित्ती। हुण पुलिस तिन्हां नूं कोर्ट च पेश करके रिमांड लवेगी। एक अपना दिनांक 2 मार्च 2024 को मृतका है अपना नीलम देवी, 68 साल इसकी उम्र है। इसका पोता हमारे पास थाने में आता है और इसकी अपना अपनी दादी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। हमने इसमें उस मुकदमा दर्ज किया, फिर इसकी जांच की, तो इन बिटवीन अपना जैसे अपना तफ्तीश चल रही थी, एक दिन गांव में मृतका का ये पोता है सागर है और इसकी माँ सुमन, ये रात को घर पे आते हैं और घर से चोरी छिपे कर ताला तोड़ के दस्तावेज उठा के ले जाते हैं। पड़ोसियों ने आस पास हैं, उन्होंने बताया भी अपना ये किस लिए आए हैं जबकि इनकी दादी यहाँ है नहीं है, इधर तो लड़के अपना गुम है और ये अपना कागज को चोरी कर रहे हैं, तो इन पर शक जाहिर किया। तो फिर हमने अपना जब हमारे पास ही आए, हमने इनसे गहन साधे पूछताछ की और इनके गांव की अपना इनकी बहनें भी आई, पंचायत भी हुई, तो इन्होंने स्वीकार किया राकेश कुमार ने भी, मैंने और मेरी पत्नी ने तथा लड़के ने मिलकर 18 फरवरी की रात को नीलम देवी की हत्या कर दी है परना से गला घोट कर, और उसकी डेड बॉडी को डॉली पर नहर है विकास नगर देहरादून में वहाँ फेंक दिया। तो हमने फिर इसमें फर्दर कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज किया, इसमें अपना रफ्ट लिख के इनको गिरफ्तार किया, फिर इनसे पूछताछ करी, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया है भी हमने उसकी हत्या कर दी है और इस संबंध में हम अपना माननीय अदालत से आरोपियों का रिमांड लेंगे और उसमें पूछताछ करेंगे और जिस जगह इसकी हत्या की है उस जगह की निशानदेही करेंगे। सर तो क्या स्टोरी निकल के आई, कैसे ये अपनी माँ को लेकर गए या हत्या यहीं कर दी इन्होंने? नहीं, अभी पूछताछ में इन्होंने बताया अभी अपना 17 फरवरी को ये अपना ये किराए पर रहते हैं सैली को वहाँ से देहरादून में, तो वहाँ से आते हैं गाड़ी लेकर और अपनी माँ को यहाँ से गंगा दर्शन करने के गंगा स्नान कराने के लिए लेकर जाते हैं रात को ही। मृतका है नीलम देवी, इसने अपने लड़के को राकेश कुमार को बेदखल किया हुआ था और कोई प्लाट का इशू था जो इसने अपना बेच दिया था। अब ये मुलजम कह रहा है अभी मेरे को हिस्सा नहीं मिला और इसकी माँ और भी एक प्लाट है वहाँ गांव में, उसको बेचना चाह रही थी, तो ये सोच रहा था अभी शायद हो सकता है ये प्लाट भी बेच के मेरी माँ मेरी बहनों को दे पैसा मुझे ना दे। हमने बातचीत की है, विकास नगर पुलिस हमारे संपर्क में है, उन्होंने इसका पोस्टमार्टम अज्ञात महिला के कराया हुआ है। और मतलब अज्ञात करवा के उसके बाद शव है वहाँ? हाँ, सबको अपना उन्होंने अपना नगर पालिका के अपना उससे नियम अनुसार अपना दाह संस्कार कर दिया अज्ञात समझकर। जी।